स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता एकता कपूर पहुंची अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज को चढ़ाई चादर। बिहार में प्रेम विवाह करना युवक को पड़ा महंगा, ससुर ने अपने ही दामाद को मारी गोली। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जारी की लिस्ट, ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों को दिया मौका। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड फिल्म निर्माता एकता कपूर आज शुक्रवार को अजमेर पहुंची और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देकर चादर चढ़ाई। फिल्म निर्माता एकता कपूर ने शुक्रवार को ख्वाजा के दर पर हाजिरी दी, जहां उन्होंने अपनी मन्नत का धागा भी बांधा। एकता कपूर को उनके खादिम ने जियारत कराई और बाद में दस्तरबंदी कर तबरुक भेंट किया। एकता कपूर अपने हर नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले कामयाबी की दुआ मांगने गरीब नवाज के दर पर आती हैं और मन्नत का धागा भी बांधती हैं। इतना ही नहीं, दुआ कबूल होने के बाद एकता वापस अजमेर शरीफ आती हैं और गरीब नवाज का शुक्राना अदा करती हैं। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां प्रेम विवाह करना एक युवक को महंगा पड़ गया जब ससुर ने अपने ही दामाद को गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीबारी में एक अन्य युवक भी घायल हो गया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव की है। मृतक व्यक्ति की पहचान मोहम्मद इम्तियाज जबकि घायल व्यक्ति की पहचान मोहम्मद रहमत के रूप में की गई है। मृतक मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों का कहना है कि 3 साल पहले ही गांव की लड़की के साथ भागकर प्रेम विवाह किया। उसके बाद से ही लड़की के पक्ष द्वारा मारने की धमकियां दी जा रही थी। मृतक के ससुर मोहम्मद औरंगजेब अपने सहयोगी के साथ अचानक इम्तियाज और उसके दोस्त के ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी करने पहुंचे, जिससे दोनों व्यक्तियों को गोली लगी। गोली चलने के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने जब गोली की आवाज सुनी तो मोहम्मद औरंगजेब और उसके अन्य साथी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां मोहम्मद इम्तियाज की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। टीएमसी की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। टीएमसी पहली पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता ने टीएमसी का समर्थन करने के लिए तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और शिवसेना को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि वे 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी और 10 मार्च को हल्दिया में नामांकन दाखिल करेंगी। खबर 12 से, जहां छिपा बड़ोर क्षेत्र में निवास कर रहे दिव्यांग ट्राई साइकिल के लिए दर दर भटक रहे हैं। दिव्यांगों को विभाग की ओर से ट्राई साइकिल के लिए रसीद जारी की गई थी, लेकिन 5 साल बाद अब तक साइकिल नहीं मिली है। विकलांग संघ अध्यक्ष नंद किशोर लश्कर ने बताया कि दिसंबर 2015 को पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैंप लगाया गया, जिसमें दिव्यांगों को विभाग द्वारा ट्राई साइकिल के लिए एक रसीद भी जारी की गई और कुछ समय बाद साइकिल वितरण के बारे में कहा गया। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक दिव्यांगों को ट्राई मोटरसाइकिल का लाभ नहीं मिल पाया है। दिव्यांग सुरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बीते 5 सालों में अभी तक दिव्यांगों को कोई लाभ नहीं मिला। इसके लिए समाज कल्याण विभाग 12 और जिला कलेक्टर से संपर्क करने पर समुचित जवाब नहीं मिल पाया। वहीं अन्य क्षेत्र में ट्राई मोटरसाइकिल का वितरण किया जा चुका है, लेकिन छिपाबड़ो क्षेत्र के दिव्यांग अभी भी सुविधा से वंचित है, जिसके चलते दिव्यांगों में रोष व्याप्त है। खबर चूरू से, जहां बीदासर में लंबे समय से सिविल न्यायालय खोलने की मांग उठ रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बजट पर बोलते हुए इसे मंजूरी दी। इसे लेकर बीदासर के मुख्य बाजार में गुरुवार रात वकीलों के साथ कस्बेवासियों ने मिलकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जताई। इस अवसर पर लोगों ने पटाखे फोड़कर सीएम अशोक गहलोत और मनोज मेघवाल का आभार जताया। मैं सबसे पहले तो हमारे जननायक जो मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे जो क्षेत्र की जनता है उनकी और हमारे जो संघ है उनकी पूरी अपील की हमारे तहसील में एक सिविल न्यायालय खोला जाए, और उनकी मांगों को देखते हुए उन्होंने आज बजट में जो घोषणा की है उनके लिए बहुत बहुत अशोक जी गहलोत और हमारे माननीय युवा नेता मनोज जी मेघवाल का बहुत बहुत आभार चाहेंगे। बिरदासर के वकीलों की काफ़ी समय से यहाँ सिविल कोर्ट खुलाने की मांग थी और हमने इसके लिए आंदोलन भी किए और भी प्रयास किए, जिसकी सरकार ने सुनी और आज जो ये घोषणा की है इससे हमें अपार खुशी है और हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं।
खबर पावटा से, जहां कस्बे के हकड़ेत हनुमान मंदिर में कमेटी कार्यकर्ताओं द्वारा कलश यात्रा के साथ नव दिवसीय शिव महापुराण और रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा में महिलाएं कलश अपने सर पर लेकर चल रही थी। वहीं इस कलश यात्रा के साथ क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना। ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे के हकड़ेत हनुमान मंदिर में 5 मार्च से 9 दिवसीय शिव पुराण और रुद्र महायज्ञ का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। खबर पाली से, जहां मारवाड़ जंक्शन पर आज 11 महीने बाद साबरमती एक्सप्रेस पहुंची। कोरोना महामारी में ये ट्रेन बंद हो गई थी। रेलवे प्रशासन द्वारा बंद की गई स्पेशल और महत्वपूर्ण ट्रेन साबरमती जोधपुर एक्सप्रेसवे का आज जिले के मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने पर सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने ट्रेन चालक और गार्ड को माला और साफा पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। 11 महीने बाद ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पहुंचने पर ग्रामीण झूमते नजर आए और जोरदार स्वागत किया। जानकार सूत्रों के अनुसार उप जोधपुर से चलकर साबरमती की ओर जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस जोधपुर संभाग की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन मानी जाती है, जिसमें हजारों की तादाद में यात्री रोज सफर करते हैं। इस ट्रेन के आज शुरू होने से ग्रामीण और यात्रियों ने राहत की सांस ली, तो वहीं स्थानीय नागरिकों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और भारत सरकार का आभार जताया। खबर पावटा से, जहां कस्बे में स्थित बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम के मुख्य द्वार का लोकार्पण किया गया। पीठाधीश्वरों के माल्यार्पण कर शॉल उठाकर स्वागत किया गया। भामाशाह रामेश्वर प्रसाद सैन ने परिवार, समाज और ग्रामीणों सहित मुख्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा शुक्रवार को लोकार्पण कराया, जिसमें पूजा अर्चना पंडित मनोज शास्त्री द्वारा संपन्न कराई गई। भामाशाह रामेश्वर प्रसाद सैन द्वारा मंदिरों के पीठाधीश्वरों का माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर और अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सैन ने बताया कि बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम के मुख्य द्वार का कार्य सिकंदरा के हस्त कारीगरों द्वारा 6 महीने में पूरा किया गया है। इस मौके पर मंदिर के पीठाधीश्वरों का श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम हमारे जो परिवार में सर्वश्रेष्ठ हमारे जो बुजुर्ग जो हमारे बाबा लगते हैं श्री रामेश्वर प्रसाद जी, उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपने पुरखों की याद में कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने पुरखों की याद में ये भवन इस बाबा भूतनाथ मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण करवाया। इसको लगभग 6 महीने के समय में पूरा किया गया है और ये भव्य लोकार्पण सिकंदरा के हस्तकलाकारों द्वारा किया गया है और वहीं का पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।